मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इस एक्सीडेंट ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। भले ही ये मेरी गलती नहीं थी, मैं टूट गया हूँ। मैंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी हाल ही में कार एक्सीडेंट के बाद एक आदमी के निधन की वजह से सुर्खियों में है। राजेश बौद्ध नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका इलाज के दौरान निधन हो गया। रजत बेदी के खिलाफ लापरवाही के कारण मौत का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले की अभी जांच की जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। बता दें, रजत बेदी के साथ ये हादसा मुंबई के डीएन नगर मेट्रो के पास शीतला देवी मंदिर के पास हुआ। रजत शाम को अपने घर जा रहे थे, इसी बीच एक आदमी अचानक से उनकी कार के सामने आ गया और घायल हो गया। बाद में वो कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन फिर उनका निधन हो गया, जिसके बाद रजत बेदी बहुत परेशान है। पुलिस ने रजत पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का केस दर्ज किया है, जिसके बाद रजत ने इस बात का खुलासा किया। रजत ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक्सीडेंट में उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो खुद को दोषी मान रहे हैं। अब वो इस हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार की हर तरह से मदद कर रहे हैं। इस हादसे ने रजत को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मैंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। रजत ने आगे कहा कि मैंने उस आदमी के परिवार के सभी खर्चे उठाए। मैं उनके परिवार की आर्थिक मदद करना जारी रखूंगा। मैं उनकी बेटियों की भी देखभाल करूंगा। रजत ने यह भी कहा कि वो उनके लिए FD भी करवाएंगे। साथ ही रजत ने उस व्यक्ति की पत्नी को भी नौकरी दिलवाने की बात की, ताकि घर की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। रजत ने इस एक्सीडेंट वाले दिन को याद करते हुए कहा कि एक्सीडेंट के बाद मैंने राजेश बौद्ध को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने ये भी कहा कि गनीमत थी कि वो हादसा शाम को 5:30 बजे हुआ। अगर ये रात में होता तो लोगों को यही लगता कि मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। रजत ने बताया कि उस वक्त उनकी कार की स्पीड काफी कम थी और राजेश अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गए थे। इस बात से रजत काफी दुखी है कि लोग बिना कुछ समझे और जाने झूठी अफवाहें उड़ाने लगते हैं, जैसे मैं घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर भाग गया था। इस बारे में रजत ने कहा कि ऐसी खबर सुनकर मेरे दिमाग में बस यही सवाल आता कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। कुछ लोग तो यही चाहते थे कि मैं इस मामले में कुछ कहूं। बात यही नहीं खत्म हुई, मीडिया के कुछ लोगों ने मुझे धमकी तक दी थी कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम आपके बारे में कुछ भी लिख देंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि मेरी कार को जब्त कर लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार वो व्यक्ति नशे की हालत में था और अचानक सड़क के बीच में आ गया। जैसे ही रजत ने कार के ब्रेक लगाने के लिए सोचा तो वो यात्री उस कार से टकरा गया। रजत बेदी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। रजत ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर नहीं बल्कि एक खलनायक के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। रजत इसके साथ ही फिल्म कोई मिल गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो फिल्मों से दूर हैं, फिलहाल वो विदेश में बिजनेस करते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।